सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मुरैना जिले से फ्रंट लाइन वर्कर व हेल्थ वर्करों को लगाई जा रही है वैक्सीन की दूसरी खुराक। मुरैना जिले की तहसील सबलगढ़ अम्बा जोरा आज देश में 16 जनवरी से प्रारंभ किए गए कोविड 19 के बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब हेल्थ वर्कर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबलगढ़ में BMO डॉक्टर राजेश शर्मा एवं डॉक्टर शरद शर्मा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, फ्रंट लाइन वर्कर व हेल्थ वर्करों को सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रतिदिन के लिए 100 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सफाई कर्मी शामिल है। वैक्सीनेशन का सुपरविजन में डॉक्टर राजेश शर्मा व डॉक्टर MP गुप्ता एवं शरद शर्मा कर रहे हैं। जिन लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनके ऑब्जर्वेशन चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मीनापाल विवेकानंद शर्मा, महिला बाल विकास की सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा डंडोतिया, भगवती शर्मा, बबीता गोयल, ज्योति शर्मा, रानी शर्मा, रामवती गोपाली आदि उपस्थित रही। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है उन्हें दूसरा डोज दिया जा रहा है। डॉक्टर शरद शर्मा ने बताया कि वैक्सीन का दूसरा डोज देने का काम चल रहा है। अभी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तथा अभी तक किसी को भी इसे लगाने से कोई परेशानी नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट। से एक घंटे पेशेंट को इंतजार कराते हैं और देखते हैं कि उनमें कोई लोकल रिएक्शन तो नहीं हो रही है, कोई दर्द, छोटी मोटी अगर परेशानी, आपको दर्द या उस जगह जलन, ये तो एक बहुत आम बात है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इतने कोरोना वैक्सीन लगाए हैं, अभी एक सिंगल केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसको इस तरह की कोई दिक्कत हो या कोई जान का जोखिम हो। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और हम इसको लगवा सकते हैं। इसके द्वितीय चरण में भी जो भी मरीज आ रहे हैं, पहले तो कंप्लीट हो गया पहला चरण, उस कोई दिक्कत नहीं आई, तभी वो लोग दोबारा से हम उनको कॉल करके और दोबारा ये वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारे यहाँ सिविल अस्पताल सबलगढ़ में वैक्सीनेशन चालू है और जितने लोगों को लगाया गया